Hi everyone, welcome to J Chemistry. So today's rank booster is this physical question from chapter solid state. इस तरह का जो question है ये आया है नेट दिसंबर 2016 में और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 2018 में भी. जो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2016 में आया है दिसंबर में और ये फिर से रिपीट हुआ है दिसंबर 2018 में. सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं बट कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन का जो मेथड है वो रिपीट हुआ है. जैसे आपको बोलती भी रहती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते एक्जैक्टली नेट में बट कंसेप्ट रिपीट होता है. जिस भी कंसेप्ट ये बेस्ड है हो सकता है थोड़ा मेथड उसको सोल्व करने का चेंज हो जाए बट जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं रीड कर देती हूँ अगर आपको राइटिंग में समझने में प्रॉब्लम है तो. द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सरे पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ सॉलिड आर 2x, 4x, 6x, 8x, वेयर x इज इक्वल टू 0.06. द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे यूज्ड इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग. द यूनिट सेल एंड द यूनिट सेल लेंथ रिस्पेक्टिवली आर. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ के वाले कितने 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. और हमें क्या गिवन है, जो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज है वो किसके इक्वल है 2x, 4x और ये सब क्या है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज है. और यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0.06. अब हमें निकालना क्या है कि जो ये यूनिट सेल है जिसके ऊपर एक्सरे लाकर डिफ्रेक्शन का लिया गया है वो किस तरह की यूनिट सेल है, बीसीसी, एफसीसी या फिर एससीसी, इसे हमें बताना है. और उसके बाद क्या है उनकी जो यूनिट सेल लेंथ है, जो यूनिट सेल है उसकी जो लेंथ है वो उसका मतलब कितना होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है. तो यहाँ पे देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैक्स इक्वेशन, एक ब्रैक्स इक्वेशन होती है, ठीक है. सबसे पहले उसमें क्या होता है फॉर्मूला आपको याद करना है 2d साइन थीटा एंड आई थिंक जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसको ये वाला फॉर्मूला पक्का आता होगा. चाहे डेरिवेशन हमें ना पता हो उसके लिए नीड भी नहीं है बट ये फॉर्मूला सबको पता होता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है. ये है हमारे पास ब्रैक्स इक्वेशन. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं किस तरह से, कि देखो यहाँ पे साइन थीटा तो ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पर है, ये एन मार एक्स की जनरली वैल्यू अगर गिवन होती है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं होती है तो इसको हम एन इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं. लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू नहीं है बट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, उसको हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे. बट यहाँ पर अभी एक बार देखो जो डी होता है उसके, या फिर हम एक काम करते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आएगा साइन स्क्वायर. तो मैं क्या करती हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका मैंने पूरे का स्क्वायर कर लेना है और इसका भी स्क्वायर कर लेना है, ठीक है. तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, डी का स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर. इतना ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ दोनों साइड क्या किया है ब्रैक्स इक्वेशन का स्क्वायर. अब क्या होता है अगर हम डी का फॉर्मूला देखें, डी जो कि डिस्टेंस है यहां पर उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको जनरली फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा डी का बुक्स में ऐसे लिखा होता है 1/d² इज इक्वल टू x² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c² इस तरह का होता है फॉर्मूला हमारे पास जो बुक्स में लिखा होता है. अब क्या है अगर मैं कंसीडर करूं कि जो यूनिट सेल है जितने भी हम पढ़ते हैं वो क्यूबिक पढ़ते हैं, क्यूबिक मतलब क्या है अगर क्यूब है वो, अगर क्यूब की शेप में है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी. तो मैं मान लेती हूँ जो क्यूब है अगर एससीसी एफसीसी कुछ भी हो बीसीसी में से कोई भी हो वो क्यूब का स्ट्रक्चर तो रहेगा, तो मैं कंसीडर कर रही हूँ कि यहाँ पे एक क्यूब है अगर तो उसकी सारी साइड सेम होंगी. तो जो ये ए बी सी जो अलग अलग साइड में पहले कंसीडर कर रही थी मैंने वो क्या किया क्यूब कंसीडर कर लिया. जैसे क्यूब कंसीडर करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगी और सबको मैं क्या करती हूँ ए से रिप्लेस कर देती हूँ. तो यहाँ पे a² + a² + a² ये होगा हमारे पास. अब अगर मैं इसको क्यूब कंसिडर किया तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 1/d² इज इक्वल टू a² का हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम और फिर क्या आएगा x² + a² + l². अब क्या करेंगे नेक्स्ट में इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल. तो क्या हो जाएगा जो d² है इसका रेसिप्रोकल किया d² इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा a² / x² + a² + l² ये हमारे पास वैल्यू आई है d² की. इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं. अब देखो 4 यहाँ पर ऐसे है d² की वैल्यू आ जाएगी a² / ये वाली वैल्यू x² a² + l² ये वैल्यू आई और साथ में क्या है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n² λ²
यहाँ तक ठीक है, इतना हमारा हो जाता है सिंप्लीफाई। उसके बाद हम देखोगे जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है। तो हम काम करते हैं साइन थीटा को एक साइड रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड ले जाते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास किसकी है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो क्वेश्चन ये थोड़ी मॉडिफाई करते हैं अपनी इक्वेशन को जो हमने बनाई है, तो मैं इसको ऐसा रफ कर देती हूँ। अब देखो मैंने क्या करना है, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको रखूंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या है, एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। और क्या होगा जो ये वाली वैल्यू है न्यूमरेटर में, यहां पर क्या चली जाएगी, रूट पर डिटा होकर डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो क्या आएगा फोर अपॉन ए स्क्वायर। और जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे जाएगी रूट पर डिटा होके, तो यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो अगर आपका फिजिकल बैकग्राउंड है फिजिकल केमिस्ट्री से अगर आपको, तो आपको बहुत बेसिक सा लगेगा, ऐसे मैं करके दिखा दूं। बट कई बार क्या होता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, उनका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, तो उनको सिंपल सिंपल चीजें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है समझने में, और वो ऑब्वियस भी है। अगर हमसे कोई बायो पूछेगा जो मैथ्स वाले होते हैं, उनका भी वही हाल होगा, जो मतलब थोड़ा सा हम लोग भी बहुत बुरे फंसेंगे, उनसे भी ज्यादा फंसेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से करके। अब यहाँ पर देखो साइंस में थीटा की वैल्यूज है हमारे पास 2x, 4x, 6x। चलो मैं 8x भी लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक चीज कॉन्स्टेंट है वो है x की वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों की, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या होता है h की और l की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट जो ये वैल्यू है वेवलेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जो भी है कॉन्स्टेंट सेम वेवलेंथ सेम रहेगी। उसमें जो a है जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी लेंथ की, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये वाली चीज जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, एक्स। तो हम बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये वाली चीज कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू है अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड को, क्योंकि ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सारी क्या है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज और ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट ही ऐसे हम करेंगे, तो ये वाली वैल्यूज को चेंज करेंगे, ये वाली इसकी होगी और ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो वो एक्स की इक्वल होगी, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a² इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत ईजी होगा क्वेश्चन, जो एक्स है एक्स की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है 0.06, पुट करते हैं यहां पर 0.06 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था अगर n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, इनके क्या करते हैं 1 कंसीडर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर हटाई देते हैं उसको, लैम्डा, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ में कितनी गिवन है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग और उसका क्या है होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 और a की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी ही है, a क्या है यहाँ पे यूनिट सेल लेंथ, तो a का स्क्वायर, इतना ठीक है। अब हम उसको सोल्व करते हैं, इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं फिजिकल के न्यूमेरिकल सोल्व करती हूँ तब यूनिट को साथ में लेके चलो, ठीक है, यूनिट छोड़ने या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग को रखो ऐसे कैसे। अब मैं ए की वैल्यू निकालें इसको इस तरह लेके आ रही हूँ, तो क्या देगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54 का होल स्क्वायर और साथ में जो आर्मस्ट्रॉन्ग जो यूनिट है इसका भी स्क्वायर, क्योंकि जब आप यूनिट लोगे तो आपको पता चलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, और नीचे क्या देगा 4 × 0.06। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ, जो स्क्वायर है ये मैंने क्या किया दोनों साइड रूट लगा दिया स्क्वायर रूट इस तरह से, तो क्या होगा स्क्वायर रूट से ये वाली कैंसिल होगी, तो यहाँ पे आएगी ए की वैल्यू और यहाँ से ये वाला स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1.54 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 0.06। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपकी ए की वैल्यू आएगी, आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 3. यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि जो आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर था वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, हमारे पास क्या बचा है 3.146 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको देखोगे आपको पता चल जाएगा कि जो ए की वैल्यू आपने वो सही निकाले वो आर्मस्ट्रॉन्ग में ही आई है, क्योंकि जो स्क्वायर था वो तो कैंसिल हो गया। अब देखो हमने ए की वैल्यू निकाली 3.146, वो यहाँ पर भी पॉसिबल है और यहाँ पर भी, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से पता लगाना है, बस हमें देखना ये है कि जो यूनिट सेल है वो किस तरह की है, बीसीसी है या फिर एफसीसी। तो एक्स वाला यूज तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन जो फॉर्मूला था उसमें जो ये वाला फॉर्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a²
into x square plus k square plus n square. तो इसकी वैल्यू तो हमने x के इक्वल रख दी थी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, हमने चेंज किया रहा था ये, और ये वैल्यूज क्या थी, 2x, 4x, 6x और 8x. तो x की वैल्यू तो हमने यहां से निकाल के इसकी इक्वल कर दी. अब इसकी वैल्यूज क्या है, 2, 4, 6, 8. मतलब इन सबका सम जो हम कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, 2, 4, 6, 8. तो आपको बता दें जो एससीसी होता है वहां पर एच के और एल की कोई भी वैल्यूज पॉसिबल है. एच के और एल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओड इवन जीरो कुछ भी पॉसिबल है इसमें एससीसी केस में. अगर बीसीसी होती है सेल तो वहां पर क्या होना चाहिए, एच प्लस के प्लस एल शुड बी इवन. इन सबका सम क्या होना चाहिए, इवन. और जो अगर एफसीसी सेल है तो उसमें या तो क्या होना चाहिए, एच के और एल की वैल्यू तीनों की वैल्यू या तो ओड होनी चाहिए या फिर तीनों की वैल्यू इवन होनी चाहिए, तभी वो एफसीसी सेल होगी वरना नहीं होगी. अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि सपोज करो मैं 2 को मान लू, यहाँ पर 2 अगर मैं कंसिडर कर लू तो ये 2 कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का सम हमें 2 लाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है. अगर मैं एच को कंसिडर कर लू 1 का स्क्वायर प्लस इसको भी कंसिडर कर लू 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2. तो यहाँ पे हमारे पास एच की और एल की वैल्यूज क्या है, रिस्पेक्टिवली 1, 1, 0. ठीक है, इस तरह से आएगा हमारे पास 2. अब आप देखो आपने सिर्फ ये एक ही सोल्व किया है 2 से. देखो एससीसी में तो सारे ही पॉसिबल है बट हमारे पास ऑप्शन में एससीसी बचा नहीं है तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एससीसी में. उसके बाद हम देखते हैं बीसीसी या एससीसी में से कैसे डिसाइड करना है. ये वैल्यू क्या है, ओड. ये भी वैल्यू क्या है, ओड. और 0 क्या होता है, इवन. तो अगर ये एफसीसी होता तो उसमें ये वाली डिफ्रेक्शन अलाउड नहीं होती क्योंकि एफसीसी एक केस में क्या होनी चाहिए, या तो सारे ओड होने चाहिए या फिर सारे इवन होने चाहिए. तो एफसीसी नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है, बीसीसी. इनमें क्या होता है, एच प्लस के प्लस एल का सम कितना होता है, इवन. तो 1 + 1 + 0 इज इक्वल टू 2. तो आप देख लो ये वाले सारे क्या है, इवन है सारे सम. ऐसे आप 4 के लिए बनाओगे, अगर मुझे चाहिए इन सबके स्क्वायर का सम, मुझे 4 के इक्वल लेके आना है, सारी वैल्यू को 4 के इक्वल करना है, तो मैं क्या बना सकती हूँ, मैं एक को रख दूंगी 2, एच को मैंने लिखा 2, के को रख दिया 0 और एल को रख दिया 0. तो 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 + 0 + 0 क्या बताया, 4. और ये सारी वैल्यूज क्या है, और यहाँ पे आप देखोगे सबका क्या है, दोनों का सम भी क्या है, 2, जो कि इवन है. और इससे आपको ये भी लग सकता है कि सारी इवन वैल्यूज है तो एफसीसी भी हो जाएगा, बट आपको यहाँ पर सबका कंसिडर करना है. और क्योंकि जो फर्स्ट वाला केस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है, अगर वही वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एफसीसी तो आगे भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, बीसीसी मानेंगे. क्योंकि यहाँ पर चाहे सारे इवन वैल्यूज जरूर है बट उनका सम भी क्या है, इवन है. यहाँ पर ऐसे ही 2 वाले केस में भी क्या था, इवन सम आएगा, तो हमारा जो है बीसीसी होगा और हमारा सम होगा ये वाला ए. ठीक है, इस तरह से हम करते हैं. आपको पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, मतलब आप एक कोई एक दो करके देख लो, उससे आपको पता चलेगा कौन सा वाली सेल है. तो इस तरह से जो सोल्व होना था आंसर है ए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.